नाजरीन, द लोकल जर्नलिस्ट हेडलाइंस में आप सबों का खैर मकदम है। मैं हूं शमसुद्दीन। आज की 10 अहम खबरें। कोरोना और लॉकडाउन के नुकसानात का सामना करने के लिए मरकजी हुकूमत का 20 लाख करोड़ का खसूसी माली पैकेज का ऐलान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह एम्स से डिस्चार्ज। मुसाफिर ट्रेनों के बाद अब दिल्ली में मेट्रो चलाने की तैयारी। नई दिल्ली, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों को 3 महीने से नहीं मिली तनख्वाह। डॉक्टरों ने पीएम मोदी को लिखा खत। बीजेपी बंगाल में फसाद करवाने की साजिश कर रही है वजीर आला ममता बनर्जी। बंगाल में पाबंदियों में नरमी का अनुमान। बस सर्विस और ऐप टैक्सियां भी चलेंगी जल्द, रियासती हुकूमत। तेलीपाड़ा में आग और खून का खेल जारी, कई जख्मी, सैकड़ों मुसलमान बेघर। खौफ का माहौल, किसी को बख्शा नहीं जाएगा वजीर आला ममता बनर्जी। राशन कार्ड नहीं रहने पर राशन मिलेगा। शहरियों की सहूलत के लिए कॉरपोरेशन नया फॉर्म जारी कर रहा, एडमिनिस्ट्रेटर फराद हकीम। काबुल धमाकों से गूंज उठा, 37 लोग मारे गए। मुजफ्फरपुर जमात के लोगों के साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक हो। कोरोना वायरस पर बीजेपी MP अजय निषाद का जहरीला बयान। मुल्क में कोरोना से अफेक्टेड लोगों की तादाद 75,000 के पार। खबर को देखने के लिए द लोकल जर्नलिस्ट के YouTube को सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक एंड शेयर करें।